अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्ति बनाने वालों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी संपत्ति को जब्त करने का निर्देश जारी किया है, जिसके तहत जनपद में पहली बार जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा किसी अपराधी का घर जब्ती की कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि शातिर अपराधी गणेश गौड़, जिसके ऊपर लूट, हत्या जैसे तमाम संगीन अपराध अलग अलग थानों में और अलग अलग जनपद में दर्ज हैं, तिवारीपुर पुलिस के द्वारा शनिवार को शातिर अपराधी गणेश गौड़ का मकान जब्त किया गया। गणेश गौड़ माधोपुर थाना तिवारीपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर बड़हलगंज में 22 लाख रुपए की लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। गणेश गौड़ ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने मकान को निर्मित करवाया था। तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव दीक्षित के नेतृत्व में तिवारीपुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश सिंह ने माधोपुर मोहल्ले में पहले ढोल नगाड़ों के साथ मुनादी करवाई और लोगों को संदेश दिया कि अब अपराधियों की खैर नहीं है। मुनादी के बाद पुलिस के द्वारा लगभग 20 लाख की लागत वाले गणेश गौड़ के मकान को 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्त कर लिया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, लिखा गया है आपके यहाँ बुलाया गया है, दिखा देना हमारे लिए जगह दो चार दिन की बात है। अच्छा, कोतवाली साहब सर, कहाँ बैठे हैं सर? चौकी पर ये गैंगस्टर था गणेश गौड़, वो शातिर अपराधी है, लूट हत्या तमाम फिरौती के मामलों में, तो इसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसएसपी महोदय द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसके अंतर्गत गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका लगभग 20 लाख रुपए का मकान कुर्क करने का आदेश दिया गया था। उसी आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा एसओ तिवारीपुर के उपस्थिति में मकान को कुर्क करके और उसको सील किया गया।